हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेवल ऑफ एजुकेशन में एक नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, ये सब टॉपिक्स जो पढ़ाए जा रहे हैं ना इस टॉपिक में, मतलब इस चैनल के थ्रू ना, इस चैनल में क्या है कि आप नेतरहाट का हुआ, सैनिक स्कूल का हुआ, या फिर आप मान लीजिए कि नवोदय का हुआ, इन सब का एंट्रेंस का तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छा से। हम यहाँ पे तैयारी कराने के लिए ही बैठे हुए हैं, हम आपको पूरा अच्छा से पढ़ाएंगे। बस आप जुड़े रहिए, कहीं भी रहते हैं आप, घर में हो या फिर स्कूल में हो, कहीं भी बस थोड़ा टाइम निकाल के वीडियो देखिए। जो प्रॉब्लम्स हम पढ़ाते हैं, जो समझाते हैं, वो समझिए। कोई डाउट होता है तो डालिए कमेंट सेक्शन में, बता दीजिए कि कैसे कैसे क्या सर डाउट है, इसमें डाउट आया, या फिर आपको मान लीजिए कोई और टॉपिक पढ़ना है तो वही बता सकते हैं। ये सब अगर आप बताएंगे तो हम और इस पर मेहनत कर सकेंगे और ज़्यादा आपको इस बारे में बता सकेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग जुड़े रहिए, और जितने भी आप लोग के दोस्त लोग हैं जो कि चाहते हैं कि हाँ पढ़ना, जो ऐसा चाहते हैं कि नेतरहाट या फिर सैनिक स्कूल में मेरा एंट्रेंस निकले, मेरा एडमिशन हो सके, तो उनको जोड़िए अपने साथ और बताइए कि हाँ इसमें, इस चैनल में ऐसा ऐसा है, तो इस हिसाब से आप करा सकते हैं, ठीक है। चालू करते हैं अभी हम लोग अपना टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। देखिएगा ध्यान से, पहला टॉपिक का नाम ही है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का साफ साफ बात करें ना तो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है ना, सिंपली आप लोग वाटर करेंट्स के बारे में सुने होंगे। वाटर करेंट मतलब पानी का बहाव, वाटर करेंट साफ साफ है तो क्या होता है, पानी का बहाव। पानी जब बहना चालू करता है उसको बोलते हैं पानी का बहाव। अब पानी का बहाव का मतलब क्या हो ना, कि जैसे कि आप ऐसा पानी बहता है, नदी है, बह रहा है, तो पानी बह रहा है उसके अंदर, वाटर करेंट्स उसको नाम दे देते हैं हम लोग। एयर करेंट भी सुने होंगे कि गर्म हवा एक जगह दूसरे जगह हिल जाता है, फिर उसका जगह ठंडा हवा ले लेता है, ऐसे वैसे। तो जैसे सी ब्रिज हुआ, लैंड ब्रिज हुआ, ये सब चीज़ जो है ना, ये सब जो है ना, इनको एयर करंट के, जब हवा बहता है। तो सेम कहानी है, वाटर करंट में वाटर बहा, पानी बहा, एयर करंट में एयर बहा, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ ना कुछ होता होगा ना। तो इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो ही है, इलेक्ट्रिसिटी इज जस्ट अ फ्लो, फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पे चार्ज बहता है, क्या बहता है, चार्ज बहता है। यहाँ देखिए साफ साफ पता है ना, तो चार्ज जो है ना वो सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो हमारे एटम्स, जो हमारे ये होते हैं परमाणु, जो हमारे परमाणु के अंदर में जो पार्टिकल, जो हमारे ये हमारे परमाणु के अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तीन तरह के होते हैं, सबको मालूम है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इनमें से एक कोई चार्ज होता है, ऑब्वियस सी बात है प्रोटॉन हो नहीं सकता है क्योंकि इसका उतना एफिशिएंसी, बोल सकते इसका उतना पावर नहीं है, इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लो ऑफ चार्ज सिंपली बोला जाए तो कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, बस किसका फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। किसी भी चीज में, किसी भी आप बोल सकते हैं कंडक्टर में, अब यहाँ पे एक वर्ड में इंक्लूड कर रहा हूँ कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब साफ साफ बताए ना, तो ऐसा चीज जिसमें करंट फ्लो कर सकता है, फिर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है। लकड़ी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ऐसा कोई भी चीज जिसमें करंट फ्लो कर सकता है उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कंडक्टर। एनीथिंग इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बह सकता है, लोहा हो गया, कोई भी मेटल का चीज हो गया, उन सब में इलेक्ट्रिसिटी बहेगा, वो कहलाएगा हमारा कंडक्टर। लेकिन ऐसा चीज जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाता है उसको हम लोग कहते हैं इंसुलेटर्स। क्या बोलते हैं उसको, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर। इसको बात कर रखते हैं, पहले यहाँ ध्यान देते हैं, क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, जैसे वाटर करंट में वाटर बहता है, एयर करंट में एयर बहता है, हवा बहेगा, पानी बहेगा, उसको वाटर करंट बोले, एयर करंट बोले। तीसरा चीज, इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ ना कुछ होता होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्जेस बहता है, जब चार्जेस का फ्लो स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए नॉर्मली जब लोग किसी बैटरी का बात करते हैं, सिटी फ्लो ऑफ चार्ज, अब यहाँ पे है कि सर किसी भी चीज़ में चार्ज कैसे बहेगा, चार्ज के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, ऐसे नॉर्मली तो बहता नहीं है सर, या फिर आप मान लिया जाए कि ऐसे नॉर्मली तो कुछ हो नहीं जाएगा ना, चार्ज तो कुछ ना कुछ बहने के लिए चाहिए होगा ना। तो एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर घर पर टंकी होगा ना, वाटर टंकी जो लगाते हैं ऊपर में हम लोग पानी भरने के लिए, है ना, तो वहाँ से उसको ऊपर ही क्यों लगाते हैं, ज़मीन पर क्यों नहीं रख देते हैं, जमीन पे रखेंगे तो क्या नल में पानी आएगा, नहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है, नहीं सर नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा सर, वो तो ऐसा ऊपर कैसे जाएगा। तो बस सेम कहानी है, ऊपर रखते हैं नीचे आराम से आ जाता है, वहां पे ना एक प्रेशर गैप बनता है, उन दोनों के बीच में एक दबाव का गैप बनता है दोनों के बीच में, जिसके चलते वो पानी ग्रेविटेशन के चलते नीचे आता है, गुरुत्वाकर्षण के चलते क्या हो जाता है, पानी नीचे
आ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्लो ऑफ चार्ज में ऐसा कुछ होता नहीं। अब मान लीजिए कि कोई अगर कंडक्टर या फिर कोई तार ले, हम नॉर्मली कॉपर का तार लिए, ये कोई कॉपर का तार है, अब इसमें क्या होगा, इसको टेढ़ा कर देंगे, ऐसा ऐसा नीचे करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन बहेगा, ऐसा तो है नहीं ना, इलेक्ट्रॉन्स नीचे करने पर तो बहेगा नहीं। कहने का मतलब इतना ही है कि यहाँ आखिर क्या होता है, यहाँ आखिर ऐसा क्या होता है किसी कंडक्टर किसी तार में जब वो ऐसा इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसमें चालू हो जाता है। इसको समझने के लिए आपको पहले बैटरी पे जाना होगा। बैटरी से पहले एक काम लिख लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए लिखिए, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिख दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर, बस थ्रू अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी जब चार्जेस का फ्लो होना चालू हो जाता है वो कहलाता है हम लोग का कंडक्टर, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या बोले कि हाँ सर, जो इलेक्ट्रिसिटी आखिर चार्जेस क्यों बहता है, चार्जेस क्यों बहता है, ये भी एक रीज़न है। तो उसके लिए पढ़ना होगा बैटरी के बारे में। बैटरी देखते होंगे आता है सर एवरेडी का 10 रुपये में, ऐसे छोटा सा रहता है ना। बैटरी है क्या, सबको जानता है कि सर हाँ बैटरी में क्या होता है सर, एक कार्बन का रॉड रहता है, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होता है। तो हाँ सही बात है, बैटरी जो है ना, बैटरी के अंदर ढेर सारा केमिकल रिएक्शन होता है, वो केमिकल रिएक्शंस केमिकल एनर्जी को जन्म देता है, ढेर सारा रसायन शक्ति, केमिकल एनर्जी। जैसे जैसे केमिकल एनर्जी निकलेगा ना, केमिकल एनर्जी ऐसे ऐसे पनपता है ना, ये क्या करता है कि केमिकल एनर्जी चेंज हो जाता है। जैसे कि आप मानिए क्या किया ना, कि ऐसा एक बैटरी लिया, एक बैटरी को ना कनेक्ट कर दिया एक वायर के साथ, मान लेते नॉर्मली एक वायर है, ये तार है कोई चीज, तो ऑब्वियस सा बात है ये बैटरी क्या करेगा, ये बैटरी अपने अंदर केमिकल एनर्जी यूज करेगा, केमिकल एनर्जी जो इसके अंदर रसायन ऊर्जा है उसको यूज करेगा, वो क्या करेगा इसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हिसाब से मतलब है वो उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। विद्युत ऊर्जा बदलने में क्या होगा ना, कि यहां के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर के, जितने भी चार्जेस कह सकते हैं हम लोग, जितने भी चार्जेस है वो फ्लो करना चालू करेंगे। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा ना, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा ताकि वो आगे जा सके। आगे जाने पे जितने इलेक्ट्रॉन्स सब धक्का होंगे और आगे जाएंगे ताकि इसके अंदर करंट का फ्लो बना रहे, ठीक है। तो कौन है कारण जिसके चलते फ्लो ऑफ चार्जेस बना रहता है, बैटरी। बैटरी क्या करता है, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है जो कि उसको केमिकल एनर्जी में बदलता है। केमिकल एनर्जी वापस से जब आप किसी कनेक्टर के साथ वो कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलता है, मतलब केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल जाता है और चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ये है हमारा फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो करता है और क्या होता है इसमें। अब यहाँ बात आता है कि सर अभी अभी आप बोले ना ये इसके बारे में, कंडक्टर्स के बारे में, कंडक्टर, चलिए वो भी पढ़ लेते हैं। कंडक्टर्स, कंडक्टर्स क्या है, कंडक्टर्स वो चीज है, कोई भी चीज हो सकता है, लेकिन बस एक ही नियम है, उसमें करंट का फ्लो होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया उसको कंडक्टर कहेंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं किया उसको इंसुलेटर कहेंगे। द मैटर इन विच करेंट कैन फ्लो इज नोन एज कंडक्टर। सिंपल, ऐसा मैटर, ऐसा कोई चीज जिसमें कनेक्टर से एस लगा दीजिए, तो जिसमें क्या हो जाएगा करंट का फ्लो इजी हो जाए या फिर करंट फ्लो करे, वो क्या कहलाएगा, कंडक्टर्स। इस तरह से अगर हम इंसुलेटर का लिखना चाहें, इंसुलेटर्स द मैटर इन विच
करंट डज नॉट फ्लोज इज नोन एज इंसुलेटर्स. ऐसा मैटर, ऐसा चीज जिसमें करंट का फ्लो नहीं हो वो कहलाता है इंसुलेटर. एग्जाम्पल के तौर पे इसमें ले सकते हैं हम लोग आयरन, ठीक है, आयरन ले लिए, कॉपर ले लिए, सबका सब मेटल है, ETC, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, ठीक है. सेम इंसुलेटर का बात करें तो एग्जाम्पल बड़ा आसान है इसका, वुड कभी नहीं फ्लो करेगा, ठीक है, प्लास्टिक कभी नहीं फ्लो करेगा, ये सारा का सारा क्या है, इंसुलेटर है. तो क्या हुआ, कंडक्टर वो चीज़ जिसमें करंट फ्लो कर सकता है, इंसुलेटर वो चीज़ जिसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता है. एग्जाम्पल आयरन कॉपर, इंसुलेटर क्या हो गया, वुड प्लास्टिक, बस. हाँ, तो हम लोग कंडक्टर्स पढ़ लिए, इंसुलेटर्स पढ़ लिए, यहाँ तक हो चुका है. अब हम लोग पढ़ते हैं हमारा सेल के बारे में, सेल क्या होता है. देखिए सेल मतलब एक यूनिट हुआ बैटरी का. जैसे कि मान लिया जाए एक बैटरी जो है ना, बैटरी तीन चार सेल से कम तीन सेल होना चाहिए तब जाके एक बैटरी बनता है. अगर आप सिंगल एक लाइन और ये छोटा लाइन खींच रहे हैं ना, तो ये एक सेल का बात कर रहा है, इसमें ये वाला पॉजिटिव ये वाला निगेटिव. तो अगर एक सेल से बोला जाए तो ये भी बैटरी कंडक्ट करेगा. सेल क्या है, पहले सेल समझते हैं. अ सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा और फ्लो चार्जेस का फ्लो क्या कर देगा, चालू कर देगा. अगर सिंगल का बात करते हैं तो एक ही तो काफी है. मान लिया जाइए आप बैटरी का बात करते हैं ना, तो बैटरी इन्हीं सेल्स का कॉम्बिनेशन है. A combination of cells. ये रहा. अगर दो लगाए, चलिए दो ज्यादा लगा देते हैं, कम से कम दो लगाना है और दो से अधिक ही लगाना है, दो से कम नहीं. ये सारा का सारा बैटरी है, प्लस हो गया, इसको माइनस लगाया. यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि एक बड़ा तो एक छोटा, फिर बड़ा फिर छोटा, कनेक्शन उसी तरह से होगा, निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव स्टार निकलेगा. कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक सेल, दो सेल, तीन सेल. अब सेल का सबको जानता होगा कि सेल का ना ऐसा वोल्ट में काउंट होता है, जैसे कि 2 वोल्ट का, 3 वोल्ट का बैटरी भी आता है सर, 9 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का बैटरी, किसका वोल्ट का बैटरी है. तो ऐसे मान लिया जाए कि ये एक सेल अगर 2 वोल्ट का था ना, तो 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 6 कुल मिला कितना वोल्ट का बैटरी हो गया, 6 वोल्ट का बैटरी हो गया. तो यहाँ तक आज करते हैं, ठीक है. अभी हम लोग सेल देख लिए, बैटरी देख लिए, एलसीडी के बारे में देख लिए, आपका कनेक्टर्स देख लिए, इंसुलेटर्स देख लिए, ठीक है, यहाँ तक अभी करते हैं, ठीक है. और बाकी का जितना भी टॉपिक्स है जो बेसिटी में है वो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करते हैं. और आप लोग बने रहिए इस चैनल पे, वीडियोस डेली आएगा, रेगुलर बेसिस पे आएगा, आराम से ज्वाइन कीजिए, पढ़िए इसमें एकदम अच्छा से और निकालिए, ठीक है. हम लोग आपके साथ में हैं. थैंक यू, लाइक शेयर कर दीजिएगा.